एक बड़ा सा 3D अरेंजमेंट है जिसमें मैं बैटरी के ए टर्मिनल से पॉजिटिव एंड बी से निगेटिव कनेक्ट करने वाला हूँ। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो चार्ज को पुश मिलेगा तो निगेटिव से पुल मिलेगा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली 3 रास्ते हैं और हर रास्ते के बाद फिर 2 रास्ते हैं। इस रास्ते के बाद 2 ब्रांच, तो इस रास्ते के बाद 2 ब्रांच, तो इस रास्ते के बाद 2 ब्रांच, और फर्दर किसी भी ब्रांच के एंड पे एक के बाद बी आ जाता है, किसी भी ब्रांच के डिवीजन के बाद एक के बाद बी आ जाता है, एक के बाद बी आ जाता है, एक के बाद बी आ जाता है, एक के बाद बी आ जाता है। यानी यहाँ हर रास्ते की कहानी एकदम एक जैसे हैं, और अगर सारे कैपेसिटर एक जैसे हैं तो चार्ज इक्वली डिवाइड होगा, यानी क्यू बाई थ्री यहाँ जाएगा तो क्यू बाई थ्री यहाँ जाएगा, यहाँ क्यू बाई सिक्स, यहाँ से क्यू बाई थ्री आ रहा है तो 2 में डिवाइड होगा, क्यू बाई सिक्स, 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 यहाँ से क्यू बाई सिक्स आ रहा है, यहाँ से क्यू बाई सिक्स आ रहा है, मिलके क्या होगा क्यू बाई थ्री। तो हर क्यू बाई सिक्स के बाद फर्दर मैं अगर यहाँ बात करूँ कितना आया, तो ये क्यू बाई सिक्स, ये क्यू बाई सिक्स मिलके क्यू बाई थ्री होगा, ये क्यू बाई सिक्स, ये क्यू बाई सिक्स मिलके क्यू बाई थ्री वापस, यहाँ से क्यू बाई सिक्स और क्यू बाई सिक्स मिलके क्यू बाई थ्री वापस, और ये होना ही चाहिए था। बैटरी का निगेटिव एंड सिमेट्री की वजह से जितना चार्ज सप्लाई किया था जिस तरीके से, उतना चार्ज अपनी 3 ब्रांचेस से वापस भी लेगा। तो ये बात हम सिमेट्रिकली दिखा पा रहे हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब मैं कहूं कि सी इफेक्टिव क्या, तो पिछली बार की तरह सी इफेक्टिव क्यू बाई वी, यानी हमें डायनेमिक टर्म गायब करना है अगर हम क्यू वी से या वी क्यू से इन टर्म्स ऑफ सी रिलेट कर पाए तो सी इफेक्टिव आ जाएगा। और इस बार क्योंकि पूरी कहानी क्यू में है तो हम एक केवीएल लगा लेते हैं, हम किसी पी पॉइंट से शुरू करके पी पॉइंट के लिए एक लूप इक्वेशन लगाते हैं तो क्यू और वी आपस में रिलेट हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ सी। पी से स्टार्ट करेंगे तो यहां से गेन होगा वी वोल्टेज का, फिर यहां ड्रॉप होना है, फिर फर्दर यहां से आगे ड्रॉप होना है, फिर यहां ड्रॉप होना है, चार्ज क्यू बाई थ्री है। क्या हम दूसरे एंड पे आ गए और दूसरा एंड यानी पी का पोटेंशियल तो V को मैं इन टर्म्स ऑफ Q ले आया हूं तो हमारा C इफेक्टिव 6C/5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को टैकल करने का एक तरीका तो ये है, एक और तरीका है कि हम इस सर्किट का एक 2D डायग्राम बनाने वाले हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए हम यहाँ नंबरिंग कर देते हैं, किन नंबर्स के बीच में कौन सा कैपेसिटर है ये बात दिखाने में मदद मिलेगी। मैंने एक A टर्मिनल बनाया है, एक बी टर्मिनल बनाया है, और ए और बी के बीच में हमें सारे कैपेसिटर दिखाना है। मैंने कहा ए से 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर है, तो 1 और 4 के बीच में भी एक कैपेसिटर है, फिर 1 और 5 के बीच में भी एक कैपेसिटर है। क्या 2 के बाद 6 को, 2 के बाद 3 को, 3 पॉइंट के बीच में, 2 के बाद 6 पॉइंट के बीच में एक कैपेसिटर है, 2 के बाद 3 पॉइंट के बीच में एक कैपेसिटर, इसी तरीके से 5 के बाद 6 के बीच में एक कैपेसिटर है, तो मैं कुछ ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ 6, और 5 ने 8 के साथ एक कैपेसिटर बनाया है, 8 मैं ऐसे ओपन छोड़ देता हूँ। इसी तरह से 4 ने 8 के साथ एक कैपेसिटर बनाया है, 4 पॉइंट और 8 के बीच में एक कैपेसिटर है, 4 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर है। तो अभी इसको मैं किसी तरीके से 3 से ज्वाइन कर देता हूँ, ये 3 3 सेम है। अब जरा 3 से देखें, जरा 3 से दूसरे एंड बी के बीच में एक कैपेसिटर है, इसी तरह से 8 से दूसरे एंड के लिए कैपेसिटर है, इसी तरह से 6 से दूसरे एंड के लिए एक कैपेसिटर है। ये होना ही चाहिए, मामला सिमेट्री में एक्चुअली अब नजर आ रहा है जब हमने इसका 2D डायग्राम बनाया है। तो इस सिमेट्री की वजह से हम लोग एक बात तो कह सकते हैं कि अगर बैटरी क्यू से चार्ज सप्लाई करेगी तो इक्वल इक्वल डिवाइड होगा, और अगर इक्वल डिवाइड हुआ है तो मैं कहूं कि ए के पोटेंशियल से इस 4 पॉइंट का पोटेंशियल कुछ कम होगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही ड्रॉप यहां भी होगा, वही ड्रॉप यहां भी होगा, तो क्या 4, 5 और 2 का पोटेंशियल
सेम होने वाला है तो हम उनको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से अगर यहाँ Q by 3 लौट रहा था तो इसके मुकाबले B पॉइंट के मुकाबले पिछले पॉइंट का पोटेंशियल हायर होगा, यानी 8 पॉइंट का, 3 पॉइंट का और 6 पॉइंट का पोटेंशियल एक जैसा होने वाला है, और एक जैसा होने वाला है तो इन सारे पॉइंट को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही हम इन सारे पॉइंट को आपस में कनेक्ट करेंगे तो हमें एक चीज नजर आने लगेगी, सीरीज या पैरेलल। ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, ये 6 आपस में पैरेलल हैं, ये 3 आपस में पैरेलल हैं, और 3C, 6C एंड 3C आपस में सीरीज में हैं। तो सी इफेक्टिव लाने के लिए हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। ऐसा करके भी हम वही रिजल्ट ला सकते हैं जो पिछले डिस्कशन में लाया गया है। ये जो मैंने मेथड 2 बताया है ये एक्चुअली में इस केस में बहुत फायदेमंद नहीं है। इस केस में तो हम इस तरीके से आंसर ज्यादा आराम से ले आए हैं मेथड 1 में। हाँ, अगर ए और बी के बजाय इस ए और 3 पॉइंट के बीच में इफेक्टिव पूछा जाता या ए और 2 के बीच में इफेक्टिव पूछा जाता तो ये 2D एनालिसिस करना हमें आना चाहिए। तो अब अगला एग्जाम्पल हम 1 और 3 के बीच में बैटरी कनेक्ट करने वाला देखते हैं।